दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड संपत नेहरा को राजस्थान पुलिस लेकर आई थी एंड इसके बाद अब लॉरेंस गैंग के एक और गैंगस्टर विक्रम बराड को जयपुर पुलिस लेकर आई है। तो बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के साथी विक्रम बराड को राजस्थान पुलिस ने पटियाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर अरेस्ट किया है। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के साथ विक्रम बराड को जयपुर पुलिस चौमू लेकर पहुंची। तो आपको पहले तो हम इस बारे में बता दें कि आखिर गैंगस्टर विक्रम बराड को राजस्थान पुलिस लेकर क्यों आई है। तो आज से 2 साल पहले 11 अप्रैल 2021 की बात है, मुख्य बाजार में ज्वेलर्स की दुकान पर पिस्टल के दम पर एक डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने 12 लाख रुपए नगद कैश लूट लिए, 1.5 किलो सोना और 1.5 किलो चांदी लूटकर फरार हो गई। लेकिन इस बारे में पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड गैंगस्टर विक्रम बराड था। लेकिन विक्रम बराड उस टाइम फरार चल रहा था तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस गैंग के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिस वक्त उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनसे 12 लाख रुपए तो बरामद नहीं हो पाई, लेकिन 1.5 किलो सोना और 1.5 किलो चांदी पुलिस ने उनसे बरामद कर ली। एंड इसी मामले में ही विक्रम बराड राजस्थान पुलिस के टारगेट पर था, लेकिन अब जाकर राजस्थान पुलिस उसे पटियाला से जयपुर लेकर पहुंची है। साथ ही जब पुलिस विक्रम बराड को लेकर आई तो विक्रम बराड के पैर में चोट लगी होने के कारण उसे बैसाखियों के सहारे रविवार को कोर्ट में पेश किया गया। एंड इस दौरान चौमू पुलिस थाने में हथियार लैस QRT स्पेशल कमांडो लगाए गए थे, साथ ही पुलिस का जाप्ता भी रखा गया था। तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते हो तो हम आपको बता दें कि आखिर गैंगस्टर विक्रम बराड है कौन। विक्रम बराड लॉरेंस बिश्नोई का साथी है जो कि हनुमानगढ़ जिले का रहने वाला है। लॉरेंस के इस साथी पर राजस्थान सहित अनेकों राज्यों में कई संगीन मामले दर्ज हैं और आज से कुछ महीनों पहले ही एजेंसियां इस गैंगस्टर को दुबई से गिरफ्तार करके इंडिया लेकर आई थी, जिसके बाद एजेंसियों ने इस गैंगस्टर से पूछताछ की और बाद में इसे पटियाला जेल में डाल दिया गया। लेकिन इस वक्त यह गैंगस्टर राजस्थान पुलिस के पास है। तो दोस्तों इस प्रकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इस गैंगस्टर को राजस्थान पुलिस लेकर आ चुकी है, साथ ही अब इससे पूछताछ जारी है। पूछताछ में अगर कुछ भी खुलासा हुआ तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो आप क्या सोचते हो इस गैंगस्टर को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।